ये नजारा है राजस्थान के भरतपुर जिले का, जहां कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार अभिजीत कुमार के समर्थकों ने एक बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान सड़क पर कांग्रेस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक के नियमों का जमकर मखौल उड़ाया। इतना ही नहीं, इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं को छोड़कर किसी ने हेलमेट तक नहीं पहन रखा था। जब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने इन लोगों को रोकना चाहा, तो ये लोग उल्टा पुलिस और मीडिया वालों को ही नियम कानून का पाठ पढ़ाने लगे। कानून सरकार का है, सरकार का है, हेलमेट है, हेलमेट है, आपने तो हटा दिया है। अब क्यों नहीं पहने आपने? क्या नाम है तुम्हारा? किस हेलमेट क्यों नहीं पहने आपने? हमने हेलमेट बैठे पीछे बैठे, देखो पीछे बैठे हुए हैं लोग बाग जो हेलमेट लगाए हुए हैं। मैं चूंकि इसका हूँ और मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है, इसलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना हूँ। आपके बहुत से चालक है बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, सबके पास आपकी सरकार तो आप कानून तोड़ रहे हैं। बहुत से चालक बिना हेलमेट के चला रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा कोई कानून तोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। पुलिस वालों ने जब इन लोगों के वाहनों का चलान काटना चाहा, तो कांग्रेसियों के विरोध के आगे वो भी बेबस नजर आए। अवाल काटे तो अवाल शिकायत करेंगे हमारी, मतलब जिसकी सरकार होती है उसके लिए कानून लागू नहीं होता है। कानून लागू, अवाल मैं आपके सामने करता हूँ। राजस्थान में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन सियासी दल अपना स्वार्थ साधने के लिए नियमों की जरा भी परवाह नहीं करते, और अगर इन्हें कोई कानून सिखाने आता है तो ये उल्टे उसी को ही कानून समझाने लगते हैं।